डियर स्टूडेंट, आपका इंग्लिश की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम टॉपिक रिपोर्टेड स्पीच के बारे में पढ़ रहे हैं और आज हम इंपेरेटिव सेंटेंस का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट किस प्रकार से बनाते हैं ये आज हम पढ़ेंगे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस चार प्रकार से आरंभ होते हैं। फर्स्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से। सेकंड, डू और डू नॉट से। थर्ड, प्लीज और काइंडली से। एंड फोर्थ, लेट से। तो इन चारों में से यदि आपका रिपोर्टेड स्पीच किसी भी सेंटेंस में स्टार्ट करके दिया हुआ हो तो आप उस सेंटेंस को इंपेरेटिव सेंटेंस मानते हुए उसका इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो यहाँ पर आपके यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डू नॉट और प्लीज या काइंडली, इन तीनों में से किसी भी प्रकार से रिपोर्टेड स्पीच स्टार्ट करके दिया है तो उनके इनडायरेक्ट बनाने के लिए आपको यहाँ पर दो रूल दिए गए हैं। इन टू रूल्स की सहायता से आप उनका इनडायरेक्ट बना सकते हैं। तो यदि आपके इन तीनों में से कोई भी सेंटेंस स्टार्ट होता है तो आप उनका इनडायरेक्ट कैसे बनाएंगे। फर्स्ट रूल है इसमें सबसे पहले कि जो आपके रिपोर्टिंग वर्ब में सेड दिया होता है इस सेड को आप रिपोर्टेड स्पीच के भाव के अनुसार, अर्थात कि आपके रिपोर्टेड स्पीच जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाला भाग होता है वह रिपोर्टेड स्पीच होता है, तो इस रिपोर्टेड स्पीच में आपके यदि ऑर्डर आदेश का भाव दिया है तो आप सेड को ऑर्डर में चेंज करेंगे। और यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच में कोई सलाह या सुझाव दिया गया है तो आप सेड को एडवाइज में चेंज करेंगे। और यदि आपके रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई प्रार्थना या निवेदन की गई है तो आप सेड को रिक्वेस्टेड में चेंज कर देंगे। और यदि बच्चों आपको इनमें भाव का पता नहीं चल रहा है कि रिपोर्टेड स्पीच में कौन सा भाव व्यक्त किया जा रहा है तो हम सेड के स्थान पर आस्क का यूज भी कर सकते हैं। और दोनों पार्ट्स को, अर्थात रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टेड स्पीच, इन दोनों पार्ट्स को जोड़ने के लिए हम कनेक्टिंग वर्ड टू का यूज करेंगे। और टू का यूज करने के लिए आपको एक चीज ध्यान रखनी होगी कि टू के बाद हमेशा आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है। टू के बाद वी फर्स्ट के अलावा और कुछ नहीं आएगा, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। आइए अब हम इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाते हैं। देखिए, तो इस सेंटेंस का जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सबसे पहले आपको रिपोर्टिंग वर्ब में सेड को बदलना है, क्योंकि आपको बताया जा चुका है कि रिपोर्टिंग वर्ब में ना तो सब्जेक्ट बदलता है ना ऑब्जेक्ट, केवल सेड बदलता है। और सेड बदलने के लिए आपको जो रिपोर्टेड स्पीच का जो पार्ट दिया हुआ है उसका भाव पहचानना है कि इसमें ऑर्डर दिया गया है, आदेश है, सलाह है, सुझाव है या फिर निवेदन किया जा रहा है। तो यहाँ पर जैसे ही आप इस सेंटेंस को पढ़ते हैं तो आपको पता लग जाता है कि इस सेंटेंस के अंदर आदेश का भाव दिया जा रहा है, तो इसलिए आप यहाँ पर सेड के स्थान पर ऑर्डर्ड का यूज करेंगे। तो यहाँ पर आपको द टीचर ऑर्डर्ड अस, तो सेड को हमने यहाँ पर ऑर्डर्ड में चेंज कर दिया है। इसके बाद कनेक्टिंग वर्ड आपको टू ही लगाना है, तो दोनों पार्ट को जोड़ने के लिए आप टू का यूज करेंगे कंजक्शन। इसके बाद टू के बाद हमेशा वी फर्स्ट आती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है। और यहाँ पर आपको सेंटेंस में वर्ब दे रखी है लिसन, तो आप टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिसन का यूज
कर देंगे। और फिर उसके बाद टू मी प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है और फर्स्ट पर्सन के प्रोनाउन को हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। सब्जेक्ट है आपका यहाँ पर द टीचर, इसलिए द टीचर के लिए हम प्रोनाउन यूज करेंगे ही। अर्थात हमें मी को द टीचर ही के अनुसार चेंज करना है और मी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव रूप है, इसलिए ही का ऑब्जेक्टिव रूप भी आपको यहाँ पर लगाना है और ही का ऑब्जेक्टिव रूप होता है हिम। इसके बाद आपको सेंटेंस में वैन दिया गया है तो आपको यहाँ पर वैन लगाना है। फिर वैन के बाद आपको यहाँ पर दोबारा से प्रोनाउन दे दिया आई, और आई आपका फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है, इसलिए आप आई को भी सब्जेक्ट के अनुसार, जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट है उसके अनुसार ही चेंज करना है। तो आई को आप टीचर के अनुसार चेंज करेंगे और टीचर के लिए हमने यहाँ पर ही माना है, इसलिए आप आई को ही के अनुसार चेंज करेंगे। आई यहाँ पर आपको सब्जेक्टिव रूप दिया गया है तो ही का सब्जेक्टिव रूप भी आपको वहां पर लगाना है, तो ही का सब्जेक्टिव रूप होता है ही। इसके बाद बच्चों आपको शुरुआत में तो टेंस चेंज नहीं करना था, लेकिन वैन के बाद आपको यहाँ पर टेंस भी बदलना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको टेंस पहचानना है और टेंस आपको यहाँ पर दिया गया है प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होने के कारण यह प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेंटेंस है। तो प्रेजेंट सिंपल को हम जैसा आपको हमने बताया था पास्ट सिंपल टेंस में चेंज कर देते हैं, तो इसलिए यहाँ पर आपको इसे पास्ट सिंपल टेंस में चेंज करके लिखना है। तो टीच वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट सिंपल है, चेंज करेंगे पास्ट सिंपल में तो पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म आती है और टीच की सेकंड फॉर्म होती है टॉट। तो यहाँ पर आपको टॉट लिखना है। इस प्रकार से हमने इस सेंटेंस का इनडायरेक्ट बनाया है, द टीचर ऑर्डर्ड अस टू लिसन टू हिम व्हेन ही टॉट। तो इस प्रकार से आपको